तो गुड इवनिंग दोस्तों, 20 दिन की बीपीएससी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज जो 12th डे है हमारा, ठीक है, तो हम लोग आज जून महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे और साथ साथ मई और जून महीने के हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को भी आज देखेंगे। साथ साथ अप्रैल तक ऑलरेडी करंट अफेयर्स हमने देख रखा है बिहार का, तो मई और जून का भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 12 दिन है, 7-8 दिन रह गए हमारे एग्जाम्स के लिए, तो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आई होप आप लोग ये सीरियसली फॉलो कर रहे हैं हमारे क्रैश कोर्स को, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि तो अगर टेलीग्राम चैनल पर आप नहीं जाएंगे तो आपको कोई भी PDF फाइल्स भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो जैसा कि ग्रेड अप से मैंने फिर से आपको जून महीने की मंथली डाइजेस्ट ली है, तो बैंकिंग फाइनेंस का जो पार्ट है उसमें मैंने आपको उसी दिन बोला था कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो मैक्रो एस्पेक्ट जितने होंगे वो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट आप देखिए कि RBI गवर्नर जो है उन्होंने CMS ऑनलाइन कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक और NBFC के लिए एक CMS ऑन लॉन्च किया है, ठीक है, दैट इज़ कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको सिर्फ NBFC और बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए लोगों के लिए RBI गवर्नर ने लॉन्च किया है। ओके, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर रिसेंटली क्या है कि आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्वाइंस जो हैं वो लोग बैंक में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए RBI ने एडवाइजरी जारी की कि सारे बैंक जितने भी क्वाइंस हैं सब बैंक को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, RBI ने एक 6 मेंबर कमेटी बनाई है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन। तो कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड करने के लिए एक सेकेंडरी मार्केट होगा, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट वगैरह में सेकेंडरी मार्केट देखते हैं ना, उसी तरह का सेकेंडरी मार्केट कॉर्पोरेट लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए कैसे बनाया जाए, उस पर किया जाए इसको स्टार्ट, उसके लिए कमेटी बनाई है RBI ने 6 मेंबर की, जिसको लीड कर रहे हैं TN मनोहरन। तो उस कमेटी का नाम है TN मनोहरन कमेटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कमेटीज एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर RBI ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, दैट इज बेंच मार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है, ये वाली रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है। तो आपको ये नहीं देखना है कि फिलहाल इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या चीजें बोली है, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बेंच मार्किंग इंडिया पेमेंट सिस्टम जो ये रिपोर्ट है ये RBI पब्लिश करती है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर से एक और कमेटी बनी है, RBI ने बनाई है 6 मेंबर कमेटी, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कमेटीज वाले क्वेश्चन, जो कि जितना भी ATM चार्जेस और फी वगैरह है इसको वेव करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है VG कन्नन कमेटी। ओके, तो VG कन्नन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है इंडियन बैंक एसोसिएशन के, वो मतलब नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस कमेटी का हेड है VG कन्नन, जो कि बनाई गई है ये देखने के लिए कि जो ATM चार्जेस और फीस है उसको कैसे खत्म करे RBI, एलिमिनेट करे। उसके बाद एक और कमेटी आ गई, RBI ने एक 8 मेंबर की कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देगा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी किसके, MSMEs के लिए। तो MSMEs के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो 8 मेंबर की है, उसको हेड कर रहे हैं हमारे UK सिन्हा। तो ये फॉर्मर चेयरमैन है SEBI के, UK सिन्हा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 20th मीटिंग हुई है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, वो दिल्ली में हुई है, ठीक है। बेसिकली आपको ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एक बॉडी है जो कि 2010 में बनाई गई थी। ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं इंडिया में, जैसे कि SEBI हो गई, RBI हो गई, IRDA हो गए, PFRDA हो गए, जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड, उन सारे की एक कमेटी है, ये एक काउंसिल है जिसको चेयरमैन जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। आपके लिए ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल।
अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप चैनल के जो इकोनॉमी का लिस्ट है, इंडियन इकोनॉमी वाली, ओके, उसमें आप जो है वो बैंकिंग का सेकंड पार्ट वन में है, मैंने ये टॉपिक कवर किया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है क्या, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, क्या काम है इनका, वो सब कुछ उसमें मैंने कवर किया है, तो वो आप इकोनॉमी के लेक्चर से देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 2010, चेयरपर्सन इसके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट अब रिमेनिंग नहीं रहा बैंकिंग सेक्टर से, फिर ऑबिचुअरीज हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट डेज तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, थीम हमारा इस बार का था ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, ओके। और बेसिकली आपके लिए डे तो इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो कि ये इसको इस्टेब्लिश जो किया था वो यूएन फाओ ने किया है, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 जून, ठीक है। तो ये जो है इस बार का जो थीम था, दैट इज़ बीट एयर पॉल्यूशन। तो लास्ट ईयर बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन था, और ये इम्पोर्टेंट था कि इंडिया में होस्ट हुआ था, इस बार चाइना होस्ट था, तो बीट एयर पॉल्यूशन जो है वो हमारा थीम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और उसका थीम। फिर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, ठीक है, और इस बार का थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को, ठीक है, इस बार का थीम था स्टेप विथ रिफ्यूजी, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है। और ये हमारे लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमने ही स्टार्ट किया, ये पांचवा इंटरनेशनल योगा डे इस बार 21 जून को मनाया गया, ठीक है। तो इस बार का जो थीम था, दैट इज क्लाइमेट एक्शन और योगा विद गुरु, गुरु यूएन में भी इसको इस बार योगा सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डे है, दैट इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर यूएन का एमएसएमई डे है, वो 27 जून। ये सारे डेज इंपॉर्टेंट है। फिर न्यू अपॉइंटमेंट्स में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस। ओके, तो हमारे जो सीएजी हैं, दैट इज राजीव महर्षि, उन्हें डब्ल्यूएचओ का एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है 4 साल के लिए, ओके। फिर जो फॉर्मर इसरो चीफ थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इनके द्वारा एक इनके हेड में इनके लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनाई गई थी, कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करे। इन्होंने फाइनली अपनी जो रिपोर्ट है, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको सबमिट कर दी है एचआरडी मिनिस्टर को, ओके। जो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके लिए जो कमेटी थी, उसके लीडर यानी उसके हेड कौन था, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन पैनल थी, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अजीत डोभाल जो कि एनएसए है, उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया, और इस बार एनएसए को जो है एक कैबिनेट का रैंक दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो पहले था, उसे कैबिनेट रैंक नहीं दी गई थी, इस बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को एक कैबिनेट रैंक भी दे दी गई है, ठीक।
उसके बाद रॉ के जो न्यू चीफ हैं वो आईपीएस ऑफिसर समंत गोयल बनाए गए हैं, ठीक है। वो इंडिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, जैसे कि एलिफेंटा फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर का जो मुंबई में होता है, कहाँ होता है आपको वो याद रखना है। फिर आयुष मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप, जो कि लोगों को योगा इवेंट्स को लोकेट करने के लिए और उसके सेंटर्स में जहाँ पे ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर्स हैं उसको लोकेट करने में हेल्प करेंगी, तो उसका नाम है योगा लोकेटर। उसके बाद अब ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है कि आपने, जब मैंने फरवरी महीने का बताया था उसमें भी आपको बता दिया था कि पीएम किसान स्कीम जो है पहले जब लॉन्च हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए हुई थी, ठीक है। लेकिन अब पीएम किसान का जो एक स्कोप है उसको आफ्टर द न्यू लोकसभा गॉट इलेक्टेड, उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और सारे फार्मर्स को इसका बेनिफिट एक्सटेंड करने की बात कर दी गई, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है, उसने पहला एडिशन किसका, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान, इसको 2019 में पहला एडिशन इसका स्टार्ट किया है। ये बेसिकली मीडिया का कंट्रीब्यूशन बताएगा योगा के स्प्रेड में। उसके बाद 2019 का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 141 है, ठीक है। तो वो 5 प्लेसेस स्लिप कर गया, दैट इज कि पहले इसका जो रैंक था 136 था और 163 कंट्रीज में 141 रैंक है इसकी, ठीक है। उसके बाद जो इसको पब्लिश करती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑस्ट्रेलिया की थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो ये पब्लिश करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद रिसेंटली आफ्टर आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर जो थे वीरल आचार्या, उन्होंने भी रिजाइन किया अपने पोस्ट से। फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो कि भारतनेट के अंदर जो था कि पहले सिलेक्टेड थे ग्राम पंचायत, अब इसको पूरी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी को पूरे ग्राम पंचायत में एक्सटेंड करने की इन्होंने बात करी है अभी। जो IAF ने कोड नेम दिया है जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुए थे उसका नाम है ऑपरेशन बंदर, ठीक है। ये बात स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ अभी देखते हैं, कोई बिहार का न्यूज़ होगा तो ठीक, नहीं तो हम लोग कोई स्कीम्स अगर कुछ है तो देखेंगे। तो रितु बंधु स्कीम जो है ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है, ये तेलंगाना में है, फार्मर्स को वेलफेयर के लिए ये लोग कुछ मॉनेटरी सपोर्ट दे रहे हैं, पैसे दे रहे। तो पहले 4,000 से ये लॉन्च हुआ था, अब इसको बढ़ा के 5,000 कर दिया गया। फिर अभी रिसेंटली साइक्लोन वायु न्यूज़ में था, ठीक है, तो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में ये इंटेंसिफाई हुआ था।
ये स्कीम जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो कि फ्री क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसका नाम है बांग्ला शस्य बीमा। ठीक है, तो ये स्कीम नाम से भी आप बता पाएंगे वेस्ट बंगाल की है। फिर गरुदा 6, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज है। तो इंडिया और फ्रांस का एयरफोर्स एक्सरसाइज है, दैट इज गरुदा 6। फिर इंडोनेशियन आइलैंड बाली में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ, उसका नाम था माउंट अगुंग। तो ये भी न्यूज में पूछ सकते हैं। फिर इंडिया फ्रांस की जो मेगा एयर एक्सरसाइज हुई उसको वरुण भी है। ओके, तो ये एयर फोर्सेस वाली गरुदा भी थी और वरुण भी है। फिर सऊदी अरेबिया जो है पहला अरब नेशन बना है जिसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबरशिप दी गई है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। G20 समिट जो अभी हुई थी वो ओसाका जापान में हुई है। फिर मालदीव्स का जो हाईएस्ट ऑनर है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। तो इतने सारे हमने आपको हाईएस्ट ऑनर्स बताए, जैसे कि सेंट ऑफ एंड्रयूज अपोस्टल रशिया वाली, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई वाली, तो रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये मालदीव। तो ये क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं कि कौन सी अवार्ड किस देश की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्योंकि ये मोदी जी को मिली हुई है। के बाद नीति आयोग ने सेकेंड एडिशन जो है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया की रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिएगा तो बड़े स्टेट्स में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस केरला, फिर आंध्रा, फिर महाराष्ट्र, और स्मॉलर में मिजोरम, यूटी में चंडीगढ़, और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट में हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, और स्मॉलर में त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़ रिलेवेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं है तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग बिहार का करंट अफेयर देखते हैं मई और जून का। तो मई में तो कुछ इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड नहीं है, वो बिहार डिमांड कर रहे हैं सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। तो इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में कुछ बातें लिखी हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो गाडगिल फार्मूला से आया 1969 में, और क्या क्या जो है वो क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पाने के लिए। तो ये पांच क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से असिस्टेंस मिलते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें कि जो इंडिया के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस है, खासकर बिहार, झारखंड और यूपी में। वो चीज़ें यहाँ पे है, इसलिए बिहार का नाम इसमें आया है। फिर जो जून महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि बिहार ने ट्री फेलिंग को बैन किया। ओके, पॉल्यूशन को साइड करते हुए और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर ये ऑर्डर पास किया गया है। तो ट्रीज ऑन प्राइवेट लैंड को कैन बी फेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्री प्रोटेक्शन एक्ट इन बिहार। प्राइवेट लैंड के ट्रीज को काट सकते हैं आप, बट जो पब्लिक प्लेसेस में उसको नहीं। फिर बिहार ने मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन पेंशन योजना लॉन्च की, और ये पहली यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है पूरे कंट्री में। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है यूनिवर्सल। तो इस योजना के स्कीम के अंतर्गत ये 60 साल से ऊपर के लोगों को 400 रुपये मिनिमम जो मंथली है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में देंगे, और 80 साल से ऊपर वालों को 500 रुपये। तो इट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। फिर AIES जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जो चमकी भी बुखार जो भी चली थी उसके बारे में दिया हुआ है कि वो आखिर पूरी बीमारी है क्या। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये ऑनसेट ऑफ फीवर, क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, डिसोरिएंटेशन, डिलीरियम या कोमा, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आप इसको पढ़ लेंगे कि आखिर ये है क्या। 15 साल से कम के जो लोग हैं ज़्यादातर उन्हीं को होता है ये बात। ये बिहार का हमारा करेंट था मई और जून का। जून महीने से मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, तो वो क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं और उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करेंगे सॉल्व करने का। यहाँ पे अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर, तो प्रोटेक्टिंग सिविलियंस प्रोटेक्टिंग पीस।
इस तरह के 100 क्वेश्चन आप जून के लिए पूरी कवर करें। फिर उराल नाम का जो है न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर किस देश ने लॉन्च किया है, तो आप उराल माउंटेन से भी लगा सकते हैं कि रशिया में है। ठीक है, फिर वरुणा जो मैंने बताया आपको एयरफोर्स की एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस की, वो कहाँ पे लॉन्च हुई थी, कहाँ हुई थी, तो आपको ये जो हुआ था ये अभी डीजी बाउटी में हुआ था। ठीक है, डीजी बाउटी जो है वो आपको ये सेकंड पार्ट डीजी बाउटी में होता है। डीजी बाउटी जो अरेबियन सी में एक कोस्टल कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया हो गया, ये अफ्रीका के पास में हमारा डीजी बाउटी है। तो 100 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, आप सारे 100 क्वेश्चंस प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए, तो उससे आपको पूरी जून के करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर मैं बताऊँ, जैसे कि हम सेप्टेम्बर महीने तक करंट अफेयर्स करेंगे, अभी 3 महीने का और, जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर, तो टोटल हमने करंट अफेयर जो किए हैं वो किए हैं 6 3 9 महीने के, 100 क्वेश्चंस हैं, 900 टोटल हमने बेसिक्स करा है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस, सबके 1500 1500 और एक के 2000 क्वेश्चन है सपोज, तो 6000 प्लस 2000 यानी कि 8000 क्वेश्चंस बेसिक्स के, और फिर बिहार के जीके के मैं कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन दूंगा। तो आपके पास 10000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये 10000 क्वेश्चंस में से ही 80% क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे एग्जाम्स में, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, प्लीज़ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कीजिए। और कल हम लोग पहला जो बिहार का जीके है, बिहार जीके के हम लोग 5 क्लासेस टोटल लेंगे, तो पहला बिहार के जीके का फर्स्ट क्लास कल होगा, तो प्लीज़ कल का क्लास मिस मत कीजिए, तो हम लोग कल बिहार के जीके की पहली क्लास देखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़। और हाँ, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। ठीक है, और जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको फ़ायदा दिलाइए इस फ्री कोर्स का। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू, गुड नाइट।